भी सोच रहे हो कि अजीब बात नहीं है, दोपहर और की लंच टाइम है, मॉर्निंग बोल रहा है परमात्मा हमें हर रोज एक इनिंग देता है प्ले खेलने के लिए, ये हमारे पर डिपेंड करता है हम उस इनिंग को कैसे खेलते हैं, मतलब हम उस मैच को जीतते हैं हारते हैं या विड्रॉ होता है, वो हम पर डिपेंड करता है। रही बात टैक्सी की, मेरा नाम राहुल है, मैं पिछले 7 साल से टैक्सी के साथ एसोसिएटेड हूँ, बहुत बढ़िया पैशनेटली अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ, बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिली है। ये मान के चलिए कि टैक्सेशन इंडस्ट्री में आने के बाद हर आदमी एक सीए के नाम से बोलता है, क्योंकि मैं टैक्सेशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ। और रही बात अनुभव की, बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, अभी आप एक्सपे में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है, वो सब नहीं था तब से हैं, सब बनते हुए देखा है, उसमें चेंज होते हुए देखा है, हर रोज प्रयासरत रहे हैं। रही बात मलेशिया कॉन्टेस्ट अचीव करने की, देखिए आप लोग भी अचीवर हैं, हमने भी अचीव किया है, हम ये चाहते हैं कि आप जैसे और लोग ऐसे, जैसे अभी सर ने बताया कि भाई 70 लोग पेंडिंग है 100 करने के लिए, अगर हम एक आदमी अगर 7 आदमी को लेके आता है तो 10 आदमी तो टोटल ही है ना, 70 तो अपने आप ही हो। बहुत बहुत अभी आप 70 में अगले कॉन्टेस्ट में कौन सी जगह देखते हैं आप? हाँ जी 70 में कॉन्टेस्ट जो मांगे के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप कौन सी जगह देखते हैं उसमें? कॉन्टेस्ट में हमेशा यही रहेगा, नंबर वन ही रहेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मैं राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है 36 किलोमीटर दूर गंगा की, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। टैक्सवे से मैं 2013 में करीबन एक जगह मैंने टैक्सवे का बोर्ड देखा था और उसी से नंबर लेके मैंने कॉल किया था, उस कॉल पे मेरी शेखर सर से बात हुई थी और मुझे कोई सेल्स का, उन्होंने कहा मैं 12th पास था, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी तो मुझे पढ़े के साथ में मेरा धंधा मुझे चाहिए था, मैं काम करना चाहता था, उसी बेस पे मैं वहाँ पे आया था, अजमेर मुझे बुलाया गया था कि आप अजमेर आ जाइए, फिर सर ने कहा कि ब्रांच लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपको सेल्स में उतारूँ यहाँ पर काम करने दूँगा। मैंने कहा सर मेरे पास ना तो पैसे है ना मैं ब्रांच ले सकता हूँ, ठीक है आप मैं काम कर सकता हूँ वो जो आप बोलोगे वो कर लूँगा। तो सर ने बोला कि ठीक है आप जाओ, आप सर से मीटिंग करवाई, शेखर सर ने सर से बात मुलाकात हुई, सर ने मुझे गाइड किया कि ये मुझे टेम्पलेट ब्रोशर बुक्स कुछ दिए कि आप जाओ, कुछ लोगों उस टाइम ई मित्रा का चलन था तो मैं दौड़ था तो मैं गया था लोगों को समझाने के लिए, जो सर ने मुझे गाइड किया था वैसे मैंने गाइड किया, मुझे टारगेट दिया था कि 5 से 7 ब्रांच या 10 ब्रांच आप लेकर आओ, उसके बाद में हम आपको सोचेंगे कि हम कैसे काम करेंगे आपके साथ। मैंने कहा ठीक है सर, तो उसके बाद में मैंने मेरी ब्रांचें दी 6-7 दिन के अंदर, 10 दिन का मुझे टाइम दिया था, मैंने 5 से 7 दिन के अंदर मेरी ब्रांचें देखे मैं आ गया था, उसके बाद से मैं अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और जो मेरा कोई सेल्स का अनुभव नहीं, मेरा कोई भी अनुभव नहीं, ना मेरा टीम का अनुभव किसी भी तरह से, जो भी मैंने पाया जो भी मैंने किया है मैं मेरे सर को गुरु मानता हूँ, तो मैंने उन्हीं के बदौलत पाया और जो भी आज हूँ जिस भी लेवल पर वो मैं इनके बदौलत। ये टैक्सवे से लगभग मेरा 1.5 से 2 साल हो चुका है और इसमें ये मुझे बोला गया था कि सर बोले कि ब्रांच लेने से पहले आपको 5 से 7 ब्रांच लेना है, तो मैं ब्रांच लिया, उसके बाद सर मुझे BDP बनाया, बनाने के बाद मुझे मलेशिया रेजिमेंट का अवार्ड मिला। मायसेल्फ नागेन बिहारी बारिक एंड टैक्सवे इज इन द माय वाइफ्स नेम दैट इज सुनीता बारिक एंड it is because of Viren Bhai and I'm glad that I'm being the part of Taxway and last year October 2018 I joined in Taxway and I'll be a happiest person who has achieved this achievement within the less than 1 year and
getting the contest and achieving Malaysia tour, I'll be thankful to the Taxway as well as the Taxway management who had given the opportunity to meet with several people who are also an achiever over here, and this is very, 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 very good experience over here. Yeah, definitely, sir. I'll be honored that today we got the information from that Krishna sir that whoever over here they will get that less amount of target with getting the achievement of the new assignment, and I'll be thankful to Krishna sir once again that he is giving the opportunity to us to get into that new assignment and new tour for us. टैक्सवे में मेरे को 5 से 6 ईयर हो गया सिस्टम आया हुआ है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने कई सपने पूरे किए हैं। हाल ही फिलहाल मैंने लास्ट ईयर दीपावली पर मैंने अपना खुद का कार परचेज किया है जो कि सर की बदौलत अच्छा सपोर्ट मिला और एक सपना था ऐसे ख्यालों में कभी मदर फादर से पूछ गई कहाँ है तो मैं बोलता कुआलालंपुर तो वो सपना कैसे पूरा हुआ मेरे खुद को बिलीव नहीं हो पा रहा है मेरा नाम राशि शर्मा है मैं राजस्थान अजमेर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली टैक्सवे जो है वो मेरा फर्स्ट जॉब है मैंने यहीं से अपनी वर्किंग की स्टार्टिंग की थी और सेल्स मुझे लगा कुछ टाइम बाद में कि शायद मेरा ये बेस्ट प्रोफेशन है जिसे मैं अपनी तरफ से कम्पीट कर सकती हूँ तो जो मलेशिया एक ट्रिप कम्प्लीट हुआ है वो भी शायद टैक्सवे की वजह से ही पूरा हुआ है आई होप कि जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट आ रहा है उसको भी फर्स्टली इसको विन करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी और साथ ही शायद अपनी टीम को भी करूँ झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बहुत छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ मैं कुछ एक बिजनेस करता तो हूँ मगर एक नई और बिजनेस की तलाश में था मोमेंट उज्ज्वल जी ने मुझे एक दिया खांडवे सर ने एक ऑफर दिया कि नहीं एक बहुत बड़ी कंपनी है टैक्सवे है जिसके माध्यम से एक अपने कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं और उस अचीवमेंट का नतीजा यह है कि मेरी वाइफ का एक सपना था विदेश द्वारा जो टैक्सवे के माध्यम से पूरा हुआ बहुत बढ़िया टैक्सवे ग्रुप है बेसिकली 7 साल से मैं जुड़ा हूँ गणेश मार्केट से जुड़ा हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं विदेश यात्रा में ये टैक्सवे के हिसाब से मैं मेरी फैमिली के साथ आया हूँ ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है ना